नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत मेरे फौलाद यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे साथियों, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पर देख रहा है कि आज मैं आपको माउथ अल्सर, मुंह के छाले, एप्थस के बारे में बताने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, आज का जो ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, और आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मैं आपको इसके कारण बताऊँगा, सेकेंड स्टेज में मैं आपको इसकी मेडिसिन बताऊँगा, और जो थर्ड मेरा स्टेप है उसमें मैं आपको आनुषांगिक प्रयोग बताऊंगा, यानी जो आप घरेलू पद्धति द्वारा कर सकते हैं। तो बनी रहिए मेरे फौलाद यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल के साथ। तो दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं उन सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, और या जो मेरी वीडियो भी पहली बार देख रहे हैं, कि भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में दिया गया बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी वीडियो हर रोग की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए साथियों, चलते हैं बिना देर किए सीधे माउथ अल्सर पर। प्यारे साथियों, फर्स्ट स्टेप है, अब मैं बता रहा हूँ आपको इसका कारण क्या है। देखिए, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू ये ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे होता क्या है, हमारे इन गाल्स में जो होते हैं हमारे फाइबर्स बन जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, इसमें गांठें सी होती हैं, यहाँ की त्वचा गलने लगती है, और इसमें से हमारे हल्के हल्के छाले निकल जाते हैं। इन छालों का रंग या तो सुरख होता है या सफ़ेद होता है। प्यारे साथियों, अगर सुरख होता है तो इसका मतलब ये है कि ये रोग जल्दी ठीक हो सकता है, और आपके मुँह में अगर सफ़ेद छाले हो गए तो इसके लिए आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें और अपने चेकअप कराएँ, क्योंकि समय से पहले चेकअप करा लेना रोग को खत्म करने का सबसे अच्छा एक उपाय है। प्यारे साथियों, जिन भाइयों के मुँह में छाले रहते हैं, आज मैं उनके लिए बताने वाला रामबाण उपाय। तो दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक इसका नाम है मर्कसोल 30, और मैं आपको साइड स्क्रीन पर भी आपको अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको विजिबल हो रहा होगा। दोस्तों, ये मर्कसोल 30 मेडिसिन जो है WSI कंपनी की आपको लेनी है। जिन भाइयों के मुंह में अल्सर रहता है, एप्थस है, मुंह में छाले हो गए हैं, कुछ भी नमक मिर्च का हमारे मुँह में जाते ही हम बाहर उल्टी कर देते हैं, उसको खा नहीं पाते हैं, और मुँह के छाले की वजह से हमें ये समझ लीजिए भूख का मरने की नौबत आ गई है, तो प्यारे दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़ा परम मित्र है मर्कसोल 30, कि जिन लोगों के मुँह में लाल सुरख दाने निकल जाए हैं। अब दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप में आपको क्या करना है, कौन सा ऐसा प्रयोग करना है जिससे ये छाले दुर्गम चलने खत्म हो जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो उसको कमेंट भी करिएगा। प्यारे साथियों, अगर आपके मन में माउथ अल्सर से संबंधित या किसी प्रकार से भी संबंधित कोई अगर रोग है और उसकी जानकारी चाहते हैं, तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर ही मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या सीधे मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे फ्री परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों, मैं बता रहा था आपको वो तीसरा स्टेप में। तो दोस्तों, ये एक मेडिसिन होम्योपैथी की ये भी बहुत अच्छा एक रोल करती है, इसे हम बाहरी प्रयोग में लाते हैं, इसका नाम है कैलेंडुला एक्सटर्नल। ये मैं आपको साइट पर दिखा रहा हूँ, कैलेंडुला एक्सटर्नल, ये भी आप, ये तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और उसको लगाने का तरीका क्या है, आप एक ग्लिसरीन ले लें और 10 ml ग्लिसरीन में 1 ml कैलेंडुला एक्सटर्नल मिला लें, उसको शिशु को अच्छी तरह से हिला लें, और उसको किसी कॉटन की सहायता से जो प्रभावित अंग है जहाँ पे आपके छाले बन रहे हैं वहाँ पर उसको लगाइएगा, 3 बार सुबह दोपहर रात लगाइएगा। उससे बहुत जल्दी आपको जो मुँह में बैक्टीरिया फैला हुआ है, जो आपकी त्वचा गल रही है, और जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, तंबाकू की वजह से आपको में छाले हो गए हैं, तो छाले होने का कारण और भी है कि आपको ज़्यादा हार्ड भोजन आप लेते हैं, पूरी, पराठा, पकौड़ा, समोसा, वो भी आपको बंद करने पड़ेंगे, जिससे आपकी आदत साफ रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन ही मुँह के छालों का बहुत बड़ा कारण होता है। प्यारे साथी, वीडियो का चला कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक आप अपने अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।